यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद कई तरह के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। मीडिया ने भी कुछ पुराने विजुअल्स चलाए। इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। Erneuerbare Ausbaugesetz kommt, als auch die ökosoziale Steuerreform noch ganz kurz zur Erklärung. इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि असल में यूक्रेन विवाद पश्चिमी ताकतों का एक प्रोपेगेंडा है। कुछ यूजर्स ने ये वीडियो पोलैंड का बताकर भी शेयर किया। इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। गौर से देखने पर हमने पाया कि स्क्रीन पर रिपोर्टर का नाम दिख रहा है। सर्च करने पर हमें मार्विन बर्गोयर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिला। इस व्यक्ति की प्रोफाइल पर ऑस्ट्रिया लिखा है। इस आधार पर जर्मन कीवर्ड्स के साथ सर्च करने पर हमें एक स्पेनिश न्यूज आर्टिकल मिला। रिपोर्ट में शामिल विजुअल्स वायरल वीडियो से मेल खाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो ऑस्ट्रिया में जलवायु नीति के खिलाफ हुए प्रदर्शन का है। आगे बताया गया है कि ये वीडियो पहले OE24 टीवी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। मार्विन ने भी इस वीडियो के बारे में एक बयान शेयर किया था। ध्यान दें कि पहले भी ये वीडियो कोरोना काल का बताकर शेयर किया गया था। कुल मिलाकर ऑस्ट्रिया में हुए एक विरोध प्रदर्शन का वीडियो यूक्रेन में प्रोपेगेंडा बताकर शेयर किया गया।